subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ सुमेरा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है कैट वाइटनिंग के ऊपर। ये मेरा एडल्ट मेल है, इसकी वीडियोस मैंने और भी बनाए हैं इसकी ग्रूमिंग के। बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि वाइट एंड ब्लैक है। वाइट तो वैसे भी आप लोगों को पता है कितने जल्दी ब्लैक हो जाते हैं या येलोइश दिखने लग जाते हैं। तो जैसा कि अभी इसके फीचर दिख रहे हैं, मैंने इसको ऑलरेडी पहले 10 दिन पहले ही ग्रूम किया है, लेकिन बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। पॉज भी आप देखिए कितने ज़्यादा गंदे किए हैं इसने। तो मुझे देखना था कि जो शैम्पू मैंने ऑर्डर किया है, जो कि US का प्रोडक्ट है, वो प्रोफेशनल ग्रूमर्स ही यूज़ करते हैं, तो क्या मेरा कैट उससे जेन्युइनली वाइट होगा या नहीं होगा। बट जैसा कि आपको पता है, मैंने इसके पहले भी वो और कैट्स के ऊपर ट्राई किया है शैम्पू, एंड मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं अपने कैट के ऊपर पर्सनली एक बार ट्राई करके देखूँ। सो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इतना ज़्यादा ब्लैक है ये, बिल्कुल भी कोई फ़िल्टर नहीं है, ना ही मैं आगे फ़िल्टर लगाऊंगी। आपको सिर्फ जेन्युइनली दिखाऊंगी कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, ये कैसा क्या आपको सपोर्ट करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा वीडियो पूरा शुरू करते हैं और मैं इसको प्रॉपरली ग्रूम करूँगी। अब जो कि मेरे पास नॉर्मल ड्रायर है, तो मैं ल्यूकवॉर्म वाटर यूज़ करूँगी। अब ये हमारा हाइड्रा का शैम्पू है। इसका कॉस्टिंग अगर आप छोटी बॉटल की लेने जाएंगे तो कुछ 2000 रुपीज़ की है, एंड ये एकदम प्रोफेशनल कैन है। तो मुझे देखना था, क्योंकि मैं और भी कैट्स पे ये इस्तेमाल करती हूँ एज अ ग्रूमर, तो ये वाला देखना था कि ये वाला उसके ऊपर बेनिफिट देगा या नहीं देगा। तो चलिए पूरा वीडियो आपको मैं बताती हूँ। हमको कभी भी शैम्पू को ना हमेशा डाइल्यूट करना है पानी में। डायरेक्टली स्किन के ऊपर कभी शैम्पू मत डालना, वरना वो बहुत टाइम ले लेगा कैट के फर से निकलने के लिए। सो देखिए, मैंने शुरू कर दिया है पूरा ग्रूमिंग करना, और मैं इसको आपको इसको पूरा ग्रूम करके एक फाइनल रिजल्ट बताऊँगी। तो अभी मैंने शैम्पू को काफ़ी देर बॉडी पे टिका के रखा। अब मैं डायरेक्टली पूरा शैम्पू निकाल दूंगी, एंड उसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे। सो जैसा कि आपको अभी दिख रहा है कि येलोइश बहुत ज़्यादा था। एंड होता क्या है, कभी भी ये कैट पानी जिस तरीके से पीता है, एंड मेरा खास करके पानी पूरा हार्ड डुबा डुबा के पीता है, इस वजह से वो येलो स्टेन पड़ जाता है। अब मैं इसको पूरा ड्राई कर दूंगी और आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि मैंने इसको कितना हद तक के वाइट किया। और मैं चाहती ही थी कि मैं कोई अच्छा बेस्ट शैम्पू चॉइस करूं अपने कैट के लिए, जो मुझे अभी तक मिल नहीं रहा था। तो देखिए, अब मैं इसको पूरा ड्राई कर लूंगी और आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाऊँगी। सो मैंने ये एक चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी आजमाई है ये शैम्पू में, कि कैट के कोट की क्वालिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। वाइटनिंग तो एक सेकेंडरी है कि जो कैट हम जिस कैट को हमको वाइट करना है, बट अगर आप कोट क्वालिटी देखेंगे तो सडन फ्लफीनेस आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है बहुत ही अच्छा। और ऊपर से मुझे मेरा कैट इतना ब्यूटिफुल लगा, इतना हैंडसम लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो हियर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। आप देख सकते हो येलोइश जो है पूरा, मतलब एकदम लाइट लाइट सा ही बचा, बाकी तो पूरा कैट वाइट हो गया। मैं आपको क्लोज वीडियो पे दिखाऊंगी। आप ये देखिए कोट की क्वालिटी कितनी चेंज हुई है, आप वो देखिए, इतना अच्छा वॉल्यूम आया है ये वाले शैम्पू से। एंड मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वाइट कैट पे जब ये यूज़ किया है तो वाइट कैट तो बिल्कुल मैजिकली वाइट हो गई, एंड मेरा कैट तो काफ़ी ज़्यादा गंदा था। तो हम एक नेक्स्ट वॉश और लेंगे और देखेंगे कि हम कितना स्टेन निकाल सकते हैं। बट अभी आप अगर इसको कंपेयर करेंगे पुराने वीडियो के साथ, पुराने फ़ोटो के साथ, जो कि मैं आपको बिफ़ोर का मैंने आपको शुरू में ही वीडियो में दिखाया है, और अभी, तो आपको खुद इसमें फ़र्क पता चल जाएगा।
सो मैं अभी आपको इसका एक फ़ोटो भी दिखाऊंगी बिफोर आफ्टर का। अब आप देखिए कोट की क्वालिटी, अब बस देखिए कितनी चेंज हुई है। आप इस तरीके से अगर अपनी कैट की ग्रूमिंग रखेंगे ना, कभी भी आपको टैंगल प्रॉब्लम, कुछ भी नॉट्स आना एंड किसी भी तरीके की शेडिंग वगैरह, इन सब चीज़ों से आप बच जाओगे। और आप देखिए बार बार हमको कोई चीज़ों पे ऐसा पैसा वेस्ट करना, बेटर ऑप्शन है कि हम एक अच्छी कंपनी का थोड़ा महंगा शैम्पू यूज़ कीजिए। सो ये फाइनल रिजल्ट है, मैं आपको बताऊँगी, बिफोर का भी फ़ोटो दिखाऊँगी। देखिए कितने हद तक के कैट वाइट हुआ है, कितने हद तक के, जहाँ मुझे एक्सपेक्टेशंस मेरी बिल्कुल भी कम थी वहाँ ये शैम्पू ने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि कोट कैट को वाइट कितना करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है रिज़ल्ट। कॉस्टली है थोड़ा शैम्पू, बट वर्थ है, क्योंकि अगर आप आपके कैट को शो क्वालिटी देखना चाहोगे तो आप बिल्कुल भी सोचोगे नहीं पैसा वेस्ट करना अपना कोई भी ऐसे प्रोडक्ट पे जो उसके लिए यूज़फुल नहीं है। और जो यूज़फुल है उसके रिजल्ट्स तो आप देख ही सकते हो। कॉस्टली है बट इतना ज़्यादा फ़र्क मैंने अभी तक के कोई शैम्पू में नहीं देखा। एकदम ही सडन चेंज आ जाता है कैट के अंदर। आप लोग खुद देख सकते हो बिफोर का वीडियो कैसा था, आफ्टर किस तरीके के रिज़ल्ट है। एंड मैं अभी आपको ये चीज़ दिखाने वाली हूँ, प्लीज़ गौर से देखिए बिफोर और आफ्टर कितना ही चेंजेस आ गया है, कितना। सो द फाइनल रिजल्ट आर हियर, प्लीज़ चेक कीजिए फोटो को। ये विदाउट एडिटिंग फ़ोटोज़ है दोनों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये हमारा आफ्टर ग्रूमिंग वीडियो है जो हमने किया, और बिफोर का आप शुरू में देख सकते हो कैसा वीडियो है। एंड अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने रिव्यूज़ बताइए कि किस तरीके से आपको ये अच्छा लगा एंड आपको किस तरीके वीडियोज़ चाहिए। एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। कीप लविंग, कीप फॉलोइंग। थैंक यू सो मच।